हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे वो वापस आए हैं तो क्या विश्वास भी साथ लाए हैं। ओके व्यूअर्स, तो निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। अभी तक हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, टर्निंग इन, वी आर द वर्ल्ड, करेज। इन कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी हिम्मत की है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इस पर्सन का दिल नहीं लग रहा था आपके बिना। इसकी हीलिंग इनकम्प्लीट थी, बट रिसेंटली इस पर्सन ने अपनी हीलिंग कम्प्लीट की है, तब जाके इसको कुछ बातें समझ में आई हैं। इसने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है अपनी जीवन का, इसकी वजह से भी ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आए हैं। असल मायनों में देखा जाए तो इस पर्सन ने अब आपको जानना स्टार्ट किया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है पास्ट में ये आपको अच्छे से समझ नहीं पाए थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए थे। अब ये पर्सन चाहता है एक और मौका देना इस रिलेशनशिप को, आपको एक मौका देना और ये ख़ुद को भी एक मौका देना चाहते हैं आपको समझने के लिए। ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की, क्योंकि ये पास्ट की बीती बातों को भुला कर जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ये पर्सन अब एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं एक नए तरीके से फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें समझें, उसके बाद ही ये कोई ना कोई फैसला लेंगे अपनी ज़िंदगी का। और मुझे ऐसा लगता है ये कुछ बातें हाइड करके रख सकते हैं आपसे, तो आपको भी इन्हें अच्छे से जानने और समझने की ज़रूरत है। और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें, इस पर्सन को थोड़ा टाइम दें, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें छुपी हुई भी हैं ना, वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस पर्सन का जो नेचर है ना, ज़्यादा छुपा कर नहीं रख सकता अपनी फीलिंग्स को। इस पर्सन में जल्दबाजी ज़्यादा है, तो ये एक नई उड़ान उड़ना चाहते हैं, एक ऊँचाइयाँ छूना चाहते हैं और उसमें इन्हें आपका साथ चाहिए। और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, आपसे ब्रेकअप कर चुके थे और दोबारा से रिटर्न वापस आए हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको इनके बारे में कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि कहाँ अब तक किस तरह से टाइम व्यतीत कर रहे थे, आपके बिना किस हाल में थे। तो वो पास्ट जो है ना, इनका जो आपके बिना गुजरा है, जो वक्त इन्होंने आपके बिना गुजारा है, वो सब जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी अच्छे से जान लें। और वैसे तो एक बार अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया है, उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी सोच समझ कर ही विश्वास करें, क्योंकि ये पर्सन एक बार जब आपकी ज़िंदगी से जा चुके थे, उसके बाद ये रिटर्न वापस आए हैं, या तो आपका चार्म ही कुछ अलग है जो ये वापस आ गए हैं, या फिर कोई ना कोई इनका बेनिफिट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वापस आने का। या फिर इस पर्सन की अगर हीलिंग पहले कम्प्लीट नहीं हुई थी, तो अब इसकी हीलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। ओके व्यूअर्स, तो कुछ एंजल्स आंसर देख लेते हैं। एंजल हमें क्या गाइड करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या आपको आपके पार्टनर पर विश्वास करना चाहिए, क्या वो पर्सन विश्वास के लायक है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ ये कार्ड देखकर ऐसा ही लगता है कि इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं से हार्ट ब्रेक हुआ है, और अगर इसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं थी तो इन्होंने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ गया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको कोई ना कोई बात इनके बारे में ऐसी ज़रूर पता चलेगी, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इन पर विश्वास करना चाहिए, क्या आपको इनके साथ खुशी मिलेगी। तो यस, डेफिनेटली अबंडेंस आ गया है, इस पर्सन के साथ आप खुश रह सकते हैं, ये पर्सन आपको खुशी दे सकते हैं, बट हाँ, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, कम से कम कुछ मंथ का वक्त तो लेना ही चाहिए। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, तो आप अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अबंडेंस चाहते हैं, तो इस पर्सन को थोड़ा टाइम दें और थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीज़न लें। अगर कोई भी बात अगर आपसे छुपी हुई है इस पर्सन के बारे में, तो ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके सामने आ ही जाएगी। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।